चलो 1918 की दूसरी घटना आता है, वो आता है अहमदाबाद मिल मालिक मजदूर विवाद। ध्यान रखना कि प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था तो एकाएक सूती कपड़े की मांग में बेतहाशा वृद्धि हुई, या यूं कहो कि कपड़े की मांग में बेतहाशा वृद्धि हुई। मिल मालिकों को धुआंधार ऑर्डर मिलना आरंभ होता है तो स्वाभाविक है कि मिल मालिकों के ऊपर दबाव पड़ा उत्पादकता बढ़ाने को, और जब उत्पादकता बढ़ाने की बात आई तो मिल मालिकों ने कहा मजदूरों को कि आप ओवर टाइम ड्यूटी करो, तो मजदूरों ने कहा कि मैं मजदूरी करने से, काम करने से घबरा मैं नहीं रहा हूँ, शर्त महज इतना सा है कि हम लोगों के वेतन में भी इजाफा किया जाए। मिल मालिकों ने कहा कि अभी प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है और विश्व युद्ध के दरमियान अभी महंगाई बढ़ना आरंभ हुआ है, महंगाई चरम रूप को छू लेगा तब जब युद्ध की समाप्ति हो जाएगी तब, इसलिए युद्ध को समाप्त हो जाने दो, जब चरम रूप पर महंगाई होगा उस वक्त हम तुम्हारे बढ़े हुए मैक्सिमम महंगाई जब सातवां आसमान को होगा तो उस दर से हम चाहते हैं कि तुम लोगों की मजदूरी में वृद्धि किया जाए। स्वाभाविक है कि मजदूरों ने हंसकर हामी भर दी, और उन लोगों को इंतजार इस बात का था कि अच्छे दिन आएंगे, मैक्सिमम बढ़े हुए दर से महंगाई भत्ता प्राप्त किया जाएगा या हुकूमत के द्वारा दी जाएगी या मूल मालिकों के द्वारा दी जाएगी। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद मिल मालिकों को भी ऑर्डर कम मिलना आरंभ हुआ, क्योंकि युद्ध जब चरम पर था तो स्वाभाविक है कि सैनिकों को वर्दी चाहिए, कफन के लिए चाहिए, कपड़ा चाहिए, रस्सी चाहिए, टेंट चाहिए, तंबू चाहिए, बैग चाहिए, इसलिए मांग जबरदस्त था। 18 में विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद मांग धड़ाम से नीचे गिर जाता है। मिल मालिकों ने भी मजदूरों को कहा कि अब उतना खटने की ज़रूरत नहीं है, काम करने की ज़रूरत नहीं है। परिणाम यह हुआ कि अब क्या किया जाए, तो उस कंडीशन में उत्पादकता घटी, लेकिन मजदूरों ने कहा कि आपने वादा किया था कि बढ़े हुए दर से आपको मजदूरी दी जाएगी, महंगाई भत्ता चरम रूप जब छुआ हुआ रहेगा तो महंगाई भत्ता उसी के अंदाज में आपको दिया जाएगा। अब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका है, आप अपने कहे से नहीं मुकरिए, आप हमें महंगाई भत्ता प्रदान कीजिए। जान के आश्चर्य लगेगा कि तमाम मिल मालिकों ने कहा कि अब मांग उतनी नहीं है, काम उतना नहीं है, इसलिए आपको मजदूरी में कोई वृद्धि नहीं किया जाएगा। मजदूर ठगे से महसूस करने लगे, मजदूरों को लग गया कि ये कोरा दिखावा एक वादा था, मजदूरों के साथ एक छलावा था। समझ में नहीं आ रहा था कि इन परिस्थितियों में वो करे तो करे क्या, तो ले दे करके याद आ गई एक ही चीज़ की, और वो था गांधी, गांधी और गांधी। गांधी को बुलाया गया, गांधी ने मजदूरों की मजदूरी का विश्लेषण किया कि आखिर कितना दिया जा रहा है। वो बड़ा आश्चर्य में थे कि इतनी न्यूनतम मजदूरी में कोई मजदूर अपनी बीवी बच्चों को आखिर पालता कैसे है। वो अंदर से अत्यधिक दुखी थे, वो समाजवाद के एक ऐसे पुरोधर पर नेता थे जो जानते थे मजदूरों की ताकत को भी। उन्होंने तमाम मजदूरों को बिठाया और संबोधित करते हुए कहा कि बंद पड़ी मिलों का कोई मालिक नहीं होता, अगर मिलों में उत्पादकता बंद हो जाए तो वो मशीनों का मालिक हो सकता है, मिलों का मालिक नहीं हो सकता। वो मिल मिल कहलाता है तब तक जब तक होता है उत्पादन उसमें तब तक, और तय मानना कि ये काम, ये उत्पादकता तुमसे है, मशीनों से नहीं है। इसलिए करना यही है कि आपको उत्पादन ठप कर देना है, आपको हड़ताल का सहारा लेना है, अगर तकलीफ होगी कुछ दिनों तक, लेकिन ध्यान रखना उस तकलीफ तुमको एक नए दौर में ले जाएगा जो एक तरह से तुम लोगों की जिंदगी का स्वर्ण काल होगा। कारण यह है कि अगर एक बार तुम शोषण और दमन के चक्र में पड़ गया तो ताउम्र ये मिल मालिक तुम्हारा शोषण करता रहेगा और शोषण के पर्याय बन के रह जाओगे। गांधी की ये बात मजदूरों को भा गया, और इसी का परिणाम हुआ कि गांधी के आह्वान पर उन लोगों ने हड़ताल का सहारा लिया, मिल जो है बंद हो गया, या यूं कहो कि उत्पादकता ठप हो गई। मिल मालिकों की भी अपनी एक मीटिंग बैठी, और उस मीटिंग में मिल मालिकों ने निर्णय लिया कि इतनी कम मजदूरी दिए हैं हमने आज तक कि मजदूरों के पास बचत नाम का कोई चीज़ नहीं होगा, और तय है कि बचत नहीं होगा तो टूटेंगे ये मजदूर और झुकेंगे ये मजदूर, घुटने के बल रेंग कराएंगे। और यही कारण था कि इसी रणनीति के तहत चलता हुआ मिल मालिकों ने हड़ताल की अवधि को लंबा खिंचवाना आरंभ किया। प्रत्येक दिन सभास्थली में गांधी जाते, मजदूरों को हड़ताल की इंपॉर्टेंस को समझाते, लेकिन इधर मजदूरों की स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होता जा रहा था। भूख से बिलखती आवाम की वो मजदूर जनता थी जिसको खाने के लिए भरपेट रोटी भी मयसर नहीं हो रहा था।
हालात बदतर थे, तो गांधी को लगा कि उन लोगों को जिनकी स्थिति अत्यधिक दयनीय है उन लोगों के लिए वैकल्पिक मजदूरी की व्यवस्था की जाए, और उन लोगों के लिए वैकल्पिक मजदूरी की व्यवस्था की गई। लेकिन यार उतने बड़े तादाद पर हर मजदूर को कहीं काम में लगाया जाना यह भी असंभव था। यही कारण था कि हर किसी को दे तो नहीं सके, लेकिन गांधी बार बार आह्वान करते रहे कि शोषण और दमन के चक्र से अगर तुमको मुक्ति पाना है तो एक बार कठोर कदम उठाना होगा, बड़े कदम उठाने होंगे, कड़े कदम उठाने होंगे, निश्चित रूप से आपको वेदनाओं के दौर से गुजरना होगा। लेकिन भूख की पीड़ा आखिर मानता कहाँ है, रुकता कहाँ है? मजदूरों की स्थिति बद से बदतर जब होता जा रहा था, सभास्थली में दिन प्रतिदिन भीड़ घटता चला जा रहा था, वो मजदूर मिल मालिकों के पास जाते चले जा रहे थे, हाथ पांव जोड़ना और पकड़ना आरंभ कर चुके थे कि कुछ तो दो, लेकिन दो। हालात इतने बदतर थे, शोषण का चरम रूप इस हद तक था। गांधी सभास्थली में घटते भीड़ को देखकर गांधी भी अंदर से चिंतित थे, और वही सभास्थली में उन्होंने भाषण देते हुए ये कहा था, संबोधन प्रत्येक दिन देते थे, संबोधन देते हुए उन्होंने एक दिन कहा कि टूटो मत, बिखरो मत, अपनी एकता का परिचय देते रहो, अगर ऐसे टूट और बिखर गया तो ताउम्र ये मिल मालिक तुम्हें झुकाता रहेगा, अपनी शर्तों पर तुम्हें काम करने को मजबूर करता रहेगा। एक बार कष्ट होती है तो कष्ट दिल से स्वीकार करो, भूखे रहने की नौबत आती है तो भूखे रहो। उसी बीच एक महिला उठती है और वो कहती है कि गांधी भूख की पीड़ा क्या होती है ये तुम क्या जानो? अरे भूख की वेदना तुमको देखना है, भूख की वेदना अगर तुमको देखना है तो आओ मेरे आंगन में आकर के देखो, एक माँ की बेबसी को देखना है तो मेरे प्रांगण में देखो। जब बच्चा भूख से बिलख हो रहा होता है तो एक बेबस और एक लाचार माँ सिवाय पानी को जब अपनी औलाद को नहीं दे पाता है तो उस माँ पे क्या गुजरती होगी, ये संवेदना आपके पास कहाँ हो सकता है गांधी? वो दर्द की व्यथा कथा जो माँ पर गुजर रही होती ये आपको कहाँ होता हो सकता है? अरे आपका क्या, आप उठोगे और उन्हीं मिल मालिकों के बीच जाके बैठोगे और अपने पसंद का भोजन करोगे। मेरा यह नहीं कहना है कि हमको पसंद का दो, मेरा कहना महज इतना सा है कि कुछ तो दो। गांधी की हो ये बात विश्व मुझे तीर की तरह चुभता है, और वही गांधी कहते हैं कि रुको, भूख की पीड़ा क्या होती है ये मैं तुझे कल समझाऊंगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ये पहला गांधी के द्वारा उठाया हुआ कदम था, जहां पर वो भूख हड़ताल पर बैठे। भूख हड़ताल का प्रभाव मिल मालिकों पर भी पड़ना था और पड़ा, मिल मालिकों को भी लगने लगा कि इसके लिए हम लोग गुनाहगार हैं, और मजदूरों को एक कड़ा मैसेज गया कि जो बंदा बैठा है वो अपने लिए नहीं बैठा है, मजदूरी उसकी नहीं बढ़ेगी, वो मिलों में काम करने वाला कोई मजदूर नहीं है, वो हम लोगों के लिए बैठा एक ऐसा शख्सियत है जिसने सिर्फ राष्ट्र को दिया है, राष्ट्र से लिया कुछ नहीं। दोनों खेमा में हलचल थी और हलचलें चरम पर थी। परिणाम यह हुआ कि चार दिन के हड़ताल के बाद मिल मालिकों को झुकना पड़ा और उन लोगों की वेतन में वृद्धि के साथ साथ ही उन लोगों को बोनस भी देना पड़ा। ये था गांधी का चमत्कारिक जादुई नेतृत्व, जिसमें सत्याग्रह था, जिसमें महज अहिंसा था, लेकिन अहिंसा की धार इतनी प्रबल थी कि हुकूमत क्रूर से क्रूर व्यवस्था भी झुकाई जा सकती है। ये गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कर दिखाया। वाकई गांधी एक युग है, गांधी एक दर्शन है, जिसको सामान्य शब्दों में आसानी पूर्वक समझ नहीं सकता। दुर्भाग्य इस राष्ट्र का इसी बात का है कि जो ईमानदारी के डगर पर चलता है, सत्यनिष्ठा की बात करता है, बतौर गाली लोग गांधी शब्द का प्रयोग करते हैं। ये इस राष्ट्र की निरक्षरता का परिणाम है, या यूं कह लो कि गांधी को नहीं समझ पाने की बहुत बड़ी मानवीय भूल है। जय हिंद, जय भारत।